जैसे जैसे हमारा YouTube चैनल पुराना होता जाता है ना, हमें लगता है कि हमें YouTube की सारी गाइडलाइंस के बारे में पता चल गया है, हमें उसके एल्गोरिदम के बारे में पता चल गया, चैनल को ग्रो किस तरह करना है, वीडियो को वायरल किस तरह करना है, हमें सारा पता चल गया। अब तो कोई मसला ही नहीं है भाई, हम अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे, हम सारा कुछ जान गए यूट्यूब के बारे में। लेकिन रियलिटी ये कि आप लोगों को यूट्यूब के बारे में कभी भी 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि यूट्यूब आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बताता कि आप लोग वीडियो किस तरह वायरल कर सकते हैं, अपने चैनल को ग्रो किस तरह कर सकते हैं। जस्ट इंट्यूशन से, पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं, देन हमारा चैनल इधर ग्रो होता है। मैं आप लोगों को एक आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड का चैनल डिलीट हो गया, मेरे फ्रेंड के चैनल की जो वीडियो है वो टेक डाउन कर ली गई, और मेरे चैनल जो फ्रेंड है उस पर गाइडलाइन आ गई। पहली गाइडलाइन में उसका चैनल को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब उसने सिर्फ एक वर्ड यूज किया था, और वो वर्ड क्या था वो वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसने मुझे, मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मुझे कहता भाई मैंने कोई भी कुछ भी खिलाफ वर्जी नहीं की, वीडियो बिल्कुल एक्यूरेट थी, उसकी मैंने वीडियो देखी, बिल्कुल एक्यूरेट थी, कहता मैंने कीवर्ड सारे सही लिखे, सब कुछ सही लिखा, मेरा चैनल इधर डिलीट हो गया, मुझे गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो देखते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं। पहले तो उसने सिंपल मुझे वीडियो सेंड की कि यार ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो पे मेरे गाइडलाइन स्ट्राइक आई है और मेरे चैनल को डिलीट कर दिया गया है। मैंने कहा यार वीडियो में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसने एक फैक्ट की वीडियो डाली हुई थी, वीडियो में उसके कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट क्यों कर दिया गया? मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं उससे फिजिकली मिला और मैंने उससे पूछा कि कीवर्ड क्या लगाए थे, चीजें क्या लगाई थी। तो उसने फिर मुझे बताया एक ऐसा वर्ड उसने यूज किया हुआ था जिसकी वजह से उसके यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया, वीडियो उसकी टेक डाउन कर ली गई। वो आप लोगों को फर्दर मैं वीडियो के आगे बताता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इधर बता रहा हूं कि देखो अगर आप लोगों ने थंबनेल लगाया, ठीक है, थंबनेल आपने लगाया, उसमें आप लोगों ने मर्सिडीज दिखाई हुई है, आप लोग वीडियो में साइकिल चला रहे हैं, इट मींस आप लोगों ने ऑडियंस को मिसलीड किया है। ऐसे में क्या होगा, यूट्यूब आपका चैनल को टर्मिनेट कर देगा। अगर नॉर्मल बंदा एक जो न्यू यूट्यूब पर आया है वो तो कहेगा भाई मैंने कोई भी गलती नहीं की है। इसी तरह अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा हैशटैग यूज करते हैं, आप लोगों का मिसलीडिंग मेटा डाटा ट्रीट किया जाएगा। टैग्स में बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल्स के नेम लिख देते हैं, वो भी एक मिसलीडिंग में आएगा, आप लोगों का चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो बहुत सी गाइडलाइंस है यूट्यूब की, आप लोगों को पता भी नहीं होता कि यार इस गाइडलाइन की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया गया। अगर ऐसा होना कि 2-3 साल बाद यूट्यूब पर चैनल पर काम करने के बाद आप लोगों को 100% पता चल जाए, तो जो मिलियंस ऑफ चैनल्स डिलीट हो रहे हैं इधर, 4-4 मिलियन वाले, 5-5 मिलियन वाले, अब उनके चैनल डिलीट ना हो। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया 2022 में, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 2017-16 की अगर बात की जाए तो कोई भी वीडियो होती थी वायरल हो जाती थी। आप लोगों ने अगर गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की हुई है, गाइडलाइन को फुलफिल नहीं किया हुआ आपकी वीडियो ने, फिर भी वो वीडियो चल रही होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोगों की जो वीडियो है फौरन टेक डाउन कर ली जाती है अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं। तो ऐसे में आप जो भी वीडियो बनाएं उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि ये वीडियो गाइडलाइन एल्गोरिदम को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसने क्या वर्ड यूज किया हुआ था। उसने अपने जो वीडियो बिल्कुल एक्यूरेट बनाई हुई थी, डिस्क्रिप्शन सही लिखी हुई, सारा कुछ सही लिखा हुआ था, बस उसने कीवर्ड में एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड ये वाला है। अब मैं बोलना नहीं चाहता ये वर्ड था, ये वर्ड उसने लिखा और उसकी वजह से इसकी वीडियो जो है टेक डाउन कर ली गई और गाइडलाइन स्ट्राइक आने के साथ ही चैनल टर्मिनेट कर दिया गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड कंडीशन हो जाती है जब आप लोगों का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए। आप लोग जब भी कोई वीडियो बनाए, जो भी कीवर्ड लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसकी SEO कर रहे हैं, प्रॉपर माइंड से प्रॉपर रिसर्च करके आप लोग उस वीडियो की SEO वगैरह करें। और हाँ, दूसरी बात, मैंने फिर अपील की YouTube को, बताया कि आप लोग वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं, तो सारे मैंने आगे एक परफॉर्मा बना के उनको भेजा, तो हमारा चैनल भी वापस आ गया, हमारी वो वीडियो भी वापस आ गई थी। बट मैं आप लोगों को इधर बताना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें, कोई ऐसा सेंटेंस यूज ना करें जिसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसा ही हिडन ट्रुथ चाहते हैं YouTube से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि YouTube से का हिडन ट्रूथ इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं।